मैडम 20-20 रुपए लगे हुए हैं, खत्म हो जाएगा तो गुड मॉर्निंग कर देंगे। रुक तो। जुआरियो, ये सब करने आते तुम क्लास में? आ ले चक, मैं आ गया। आ ले चक, मैं आ गया। आज फिर लेट, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। और ये फैंसी कपड़े क्या पहन रखे हैं? अपने पापा की शादी में आए हो? मैडम इसी बात का तो अफसोस है कि मेरे पापा ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तमीज। तो ये बता, घर के कपड़ों में क्यों आया है? मैडम आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आई एम वेरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे। फिर तो नाच गाना होना चाहिए क्लास में। अरे मैडम स्पीकर के बिना क्या गाना क्या नाच, छोड़ो ना। ओह नो। अरे स्पीकर नहीं है तो क्या हो गया, एम्प मी ऐप तो है हमारे पास। एम्प मी, वो क्या होता है? आपको दिखाता हूँ, चलो फोन निकालो अपने। एम्प मी ऐप में हम अपने सारे फोन सिंक करके एक ही गाना लाउड बजा सकते हैं स्पीकर की तरह। बदतमीज, पढ़ना लिखना तो तुमने है नहीं, बस डांस करवा लो तुमसे। तुम मुझे ये बताओ कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? जी गंगा अपने घर से निकलती है ट्यूशन के बहाने, और टिंकू के खेत में जाके कालू से मिलती है। बदतमीज बैठ जाओ नीचे। अच्छा तुम सबको ये तो पता है ना कि स्क्रीलिंग पुलिंग क्या होता है? मैडम मुझे अच्छी तरीके से पता है। अच्छा तो ये बताओ ये पंखा क्या होगा? मैडम अगर बजाज का होगा तो पुलिंग, और उषा का होगा तो स्त्रीलिंग। भरे पड़े इस क्लास में। अच्छा तुम लोगों को ये तो पता है ना कि हमें क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? अरे मैडम पता थोड़ी एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। तुम लोगों को पोयम तो आती होगी ना, एक छोटी सी पोयम ही सुना दो मुझे। लानत है तुम पर। तुम खड़े जाओ। मान लो विराट के पास 20 रुपए हैं। अबे तेरे पे 20 रुपए हैं? मेरे 10 रुपए कब देगा? मेरे 10 रुपए। छोड़ो। 10 रुपए। छोड़ो एक दूसरे को। मैंने एज्यूम करने को बोला था। बैठो महाराष्ट्र। अच्छा चलो मुझे महाराष्ट्र की स्पेलिंग बताओ। मैं सरकारी मैं पढ़ा होया मेरा मजनू। मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो गोवा में पैदा हुआ था। GOA गोवा। पढ़ाई पे ध्यान दे लो तुम सब, अगर इरादे बुलंद हो ना तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। अरे मैडम मैं तो लोहे से भी पानी निकाल दूं। लोहे से? वो कैसे? मैडम जी हैंड पंप से। बैठ जाओ नीचे। तुम बड़े शांत शांत लग रहे हो, और इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? मैडम बर्ड फ्लू हो गया था। बर्ड फ्लू इंसानों को थोड़ी होता है। मैडम आपने मुर्गा बना बना के इंसान छोड़ा ही कहा है। तो पूरे के पूरे ही जानवर हो। अच्छा तुम लोगों को ये पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाएगा और सारे जीव नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो मैडम हमें उस दिन स्कूल आना होगा या हमारी छुट्टी होगी? बदतमीज क्लास से निकल और अपने पापा को लेके आइयो। मैम सॉरी मैम। निकलो अभी की अभी, अपने पापा को लेके आना। आ ले चक, मैं आ गया। मैडम जी ले आया मैं अपने पापा को।
तुम्हारा लड़का बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अरे पढ़ लेगा मैडम, पढ़ लेगा। ये रोज लेट आता है क्लास में। अरे मैडम मेरी रिक्शा है, आओ बस 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 मैं लेट हो जाता हूँ, बस मैं लेट हूँ। इस पे थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ये क्लास में, बहुत नालायक है। तो बाप भी ऐसे। अबे तू रिक्शे वाला था या एक्टर था? ये मगर 500 रुपए अपने इतने में पूरे दिन रिक्शा चला के नहीं कमा पाता, और अगली बार बुलाऊ तो आ जाइयो। ठीक है सर। चल पहुंच पहुंच, आ जाओ दोस्तों, मजा आएगा। लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले, काहे तादा कुल पाचा के डाला दुलाहे पे, काहे तादा कुल पाचा के डाला दुलाहे ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो का पार्ट आपको कैसा लगा, और YouTube तो आपको पता ही है, लाल वाला बटन है बतलोल वीडियो, दबा दो और ऐप भी ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये विराट बेनी वाला इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।